हेलो एवरीवन, दिस इज डीपी सिंह फ्रॉम एजुकेयर एकेडमी एंड ओवरसीज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जड़ी मैं लेके आया वो है 5 इजी स्टेप्स हाउ टू अप्लाई फॉर जर्मनी स्टडी वीजा विदाउट आयल्स। ते तोड़ा गैप चाहे 15 साल तो वध भी हो गई या फिर तोड़े मार्क्स 50% तो कट भी ने, तो तुसी आराम नाल ए स्टेप्स फॉलो करके अपना वीजा ग्रांट करवा सकते हो। तोड़ा वीजा कोई नहीं रोक सकता, तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता। स्टूडेंट्स, मैं थैंक्स करना चाहवागा मेरी प्रीवियस वीडियो नू इन्ना वधिया रिस्पोंस देन ली, ते मैं उन्हां स्टूडेंट्स नू कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहवागा जिन्होंने वो वीडियो देख के मैनू कॉन्टैक्ट किया, ते असी उन्हां दा वीजा ग्रांट करवा पाए। ते जे तुसी वो वीडियो नहीं देखी तो उहदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड करूँगा, पूरी डिटेल विच वीडियो है स्टडी वीजा बारे, तुसी उन्हूं चैक कर सकते हो। तो स्टैप स्टार्ट करने तो पहला मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ साडे चैनल नू लाइक ते सबसक्राइब करो ताकि इदा दी यूजफुल वीडियो लैके मैं तुहाडे ते पहुँच सकां। हुण असीं स्टार्ट करते हैं साडा फर्स्ट स्टैप जिहड़ा की है ऑफर लैटर। ऑफर लैटर अप्लाई करन लई सानू तुहाडे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ते तुहाडे अकैडमिक्स दी लोड हुंदी है। जदों तुहाडा ऑफर लैटर असीं अप्लाई करते हैं तो 1 वीक दे विच सानू कन्फर्मेशन आ जाती है। एजुकेयर अकैडमी सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ नाल डील करता है जिन्हों का ग्लोबली रैंक अच्छा होंदा है, ते जिहड़ी सानू इंटर्नशिप ते पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा प्रोवाइड करदी है। सैकेंड स्टैप है साडा कॉलेज की फी पेमेंट। हुण कॉलेज की फी पेमेंट लई ऑफर लैटर तो बाद सानू 20-25 डेज मिलते हैं साडी फी सबमिट करन लई। हुण जर्मनी का यह फायदा है कि इहदी फीस जिहड़ी है 1 ईयर या 1 semester की सबमिट नहीं होंगी, जिमें कि कैनेडा मांगता है 1 ईयर की फी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके ये डिमांड करते हैं 6 months की फी। बट जर्मनी का यह फायदा है कि सिर्फ असी एक होल्डिंग अमाउंट पे करनी है जिहड़ी कि 1000 या 2000 यूरो तक ही होंगी है, जिहड़ी कि साडी ओरिजिनल फीस विचों बाद चों डिडक्ट हो जाती है, तो असी अपनी जिहड़ी फीस है जर्मनी पहुँचण तो बाद इंस्टॉलमेंट्स विच पे कर सकते हैं। हुण थर्ड स्टैप स्टार्ट करन तो पहला मैं एक तुहाडे अगे हथ जोड़ के रिक्वेस्ट करदा कि कदे भी तुसी कैश जिहड़ा तुसी फी पे करनी है वह एजेंट के हथ विच नहीं दिओ। तुहानूं पता नहीं तुहाडे नाल किहो जी ठगी हो सकती है, तुसी अपने आप ही जिथे तुहाडा बैंक अकाउंट है उत्थे जाके तुसी यूनिवर्सिटी नूं फी पेमेंट करा सकते हो। तुसी एक बारी बैंक जाओगे तो उन्होंने तुहानूं सारा प्रोसैस ईजी दस देना है कि किवें किवें फी पेमेंट होंदी है। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैप है तुहाडा ब्लॉक अकाउंट। हुण जदों एक स्टूडेंट जाता है अब्रॉड, उहदे 2 मेन खर्चे होंदे है, फर्स्ट इज कॉलेज फीस एंड सैकेंड इज लिविंग एक्सपेंसिज। हुण कॉलेज फीस बारे तो मैं तुहानूं दस चुकिया, हुण लिविंग एक्सपेंसिज का यह है कि कुछ कंट्रीज फंड शो करवाती हैं अपने अकाउंट के विच या कुछ कंट्रीज अकाउंट ओपन करवाती हैं। जर्मनी किहो जी कंट्री है, वह कहती है कि ब्लॉक अकाउंट खुलवा के स्टूडेंट उत्थे आ सकता है जिथे वो अपने लिविंग एक्सपेंसिज कवर कर सके। ब्लॉक अकाउंट विच सानू 10,360 यूरो दे अप्रोक्सीमेटली सानू मनी डिपॉजिट करानी पैंदी है, ते ए जिहड़ी मनी है सानू जर्मनी जाके इंस्टॉलमेंट्स दे विच 12 इंस्टॉलमेंट्स दे विच सानू सारी मनी वापस मिल जाती है ताकि उत्थे जाके असी अपने लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकीए। तो इहदा एक सर्टिफिकेट जिहड़ा सानू मिलता है वह साडी एम्बेसी फाइल विच भी ऐड होंदा है, वो एक सब तो मेन डॉक्यूमेंट होंदा साडी एम्बेसी फाइल। फोर्थ स्टैप इज़ योर ट्रैवल इंश्योरेंस। इनू असी ट्रैवल हैल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं। ये इंश्योरेंस साडी ट्रैवल जर्नी नू कवर करती है, तो असी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जदों असी ट्रैवल करते हैं जर्मनी जदों साडा वीज़ा आ जाता है तो ये उस तो पहला स्टार्ट होनी जरूरी है। हुण स्टूडेंट्स, लास्ट स्टैप इज़ योर एम्बेसी अपॉइंटमेंट। जदों असी अपने सारा प्रोसैस कंप्लीट कर लैंदे हाँ तो असी एम्बेसी का स्लॉट बुक करना होंदा है। हुण स्टूडेंट्स, इस चीज़ वल ध्यान देना कि जिहड़े स्टूडेंट आफ्टर प्लस टू अंडर ग्रैजुएट कोर्स लई जांदे है वह अपना स्लॉट बुक करते हैं एम्बेसी दे विच, जबकि जिहड़े कि आफ्टर ग्रैजुएशन जा रहे हैं मास्टर डिग्री लई वह अपना स्लॉट बुक करते हैं VFS ग्लोबल दे विच। इन्हां विच काफ़ी डिफरेंस है, तो तुसी इस चीज़ का ध्यान रखना है अपना स्लॉट बुक करन तो पहला। तो जदों असी एम्बेसी या VFS जावांगे साडे बायोमैट्रिक्स होणगे, ते तुहाडे सारे जिहड़े डॉक्यूमेंट्स है तुहाडे अकैडमिक डॉक्यूमेंट्स, तुहाडे कॉलेज दे डॉक्यूमेंट्स, तुहाडे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ये सारे उत्थे सबमिट हो जाते हैं, तो 10 to 15 दिनों के विच तुहाडा वीज़ा आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सी तुहाडे 5 ईजी स्टैप्स जर्मनी स्टडी वीज़ा दे, ते आई होप ये वीडियो देखने तो बाद तुहाडे सारे डाउट्स क्लीयर हो गए होणगे। जे इस तो अलावा तुहानू कोई हैल्प चाहिए है जर्मनी स्टडी वीज़ा अप्लाई करन दे विच तो तुसी साडे नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।